नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की अनाउंसमेंट हो गई है, नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट हो गई है, किस चीज को नॉमिनेशन मिला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें टोटल 19 मेन कैटेगरीज है, जिसमें से दोस्तों ज्यादातर जो कैटेगरीज में जो नॉमिनेशन मिला वो गंगूबाई काठियावाड़ी तथा द कश्मीर फाइल्स को मिला। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र फिल्म को भी काफी कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला है। आपको बता दूं कि शो का जो होस्ट करेंगे वो सलमान खान और आयुष्मान खुराना, मनीष पॉल मुख्य रूप से करेंगे, होस्ट करेंगे। और दोस्तों, इसमें आपको विक्की कौशल, टाइगर श्रॉफ, गोविंदा जैसे कई बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्म करते हुए नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर दूं मैं आपको कि बेस्ट फिल्म के लिए बधाई दो नॉमिनेटेड है भूल भुलैया 2। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मास्त्र, इसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी और ऊंचाई फिल्म को भी यहाँ पे बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। जहां तक बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर की, तो बेस्ट डायरेक्टर में अनीस बज्मी बुलबुलैया 2 के लिए, अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र के लिए, हर्षवर्धन बधाई 2 के लिए, इसके अलावा संजय लीला बंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, उनको भी नॉमिनेशन इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर के रूप में मिला है। विवेक अग्निहोत्री को द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है। और दोस्तों, सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और दोस्तों, जहां तक बात करें बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स ने किस किस बेस्ट फिल्म को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, उसमें दोस्तों बधाई 2 का नाम आता है, भेड़िया का नाम आता है, झुंड एक सरप्राइजिंग एंट्री, इसमें अमिताभ बच्चन की नागराज मंजुले द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म थी, काफी अच्छी फिल्म थी, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं साबित हो पाई थी। और दोस्तों, इसके अलावा और भी फिल्म है इसके अंदर, वध है जिसको भी इसमें नॉमिनेशन मिला, और आर्माधवन की फिल्म रॉकेट्री को भी नॉमिनेशन मिला है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे बेस्ट एक्टर मेल, तो इसके लिए अजय देवगन है दृश्यम 2 के लिए, अमिताभ बच्चन है ऊंचाई फिल्म के लिए, अनुपम खेर है द कश्मीर फाइल्स के लिए, इसके अलावा दोस्तों ऋतिक रोशन है विक्रम वेदा के लिए, और दोस्तों कार्तिक आर्यन को भूलभुलैया 2 के लिए, और राजकुमार राव को बधाई 2 के लिए नॉमिनेशन मिला है। वहीं दोस्तों, अगर बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मेल के लिए बात करें तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन को झुंड के लिए नॉमिनेशन मिला है, आर माधवन को रॉकेट्री के लिए नॉमिनेशन मिला है, और दोस्तों संजय मिश्रा को फिल्म वध के लिए मिला है, राजकुमार राव को बधाई 2 के लिए मिला है, शाहिद कपूर को फिल्म जर्सी के लिए मिला है, वरुण धवन को फिल्म भेड़िया के लिए मिला है। जहां तक बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, भूमि पेडनेकर है बधाई 2 के लिए, और जानवी कपूर है मिल्ली के लिए, करीना कपूर लाल सिंह चड्ढा के लिए, और तब्बू भूलभुलैया 2 के लिए। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो इसमें अनुपम खेर आते हैं ऊंचाई फिल्म के लिए, अनिल कपूर आते हैं जुग जुग जियो के लिए, इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती द कश्मीर फाइल्स के लिए है, और दोस्तों दर्शन कुमार द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट म्यूजिक की बात करें तो अमित त्रिवेदी ऊंचाई फिल्म के लिए, प्रीतम को मिला है यहाँ पे ब्रह्मास्त्र, और लाल सिंह चड्ढा के लिए, सचिन जिगर को भेड़िया के लिए, संजय लीला बंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो ये कुछ खास खास नॉमिनेशन थे जो मैंने आपको बताया। अब किस प्रकार से कौन कौन इसमें जीतने की क्षमता रखता है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इन सब के बारे में आपको अलग से जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये नॉमिनेशन फेयर है, बिल्कुल सही तरीके से किए गए, तो बताइएगा, और आपके हिसाब से अगर और किसको शामिल किया जाना चाहिए तो वो भी अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।